hours till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। सो गाइस, फाइनली आप लोग देखे होंगे कि आज हम लोग गेम के अंदर यहाँ पर से अपडेट आ चुका है, जहाँ पर से आपको रैग्नारोक का जो दो न्यू बंडल जो हम लोग को मिस्ट्री शॉप में देखने के लिए मिल सकता है, वो दो बंडल आ चुका है। साथ ही हम लोग न्यू पैट यानी कि पोरिंग जो आने वाला है वो भी हम लोग के गेम के अंदर यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल गया होगा, यानी पोरिंग का जो इमेज है वो। तो आपको सिर्फ इतना सा नहीं, आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, यानी कि रैग्नारोक जो न्यू इवेंट आने वाला, हम लोग इवेंट नहीं, जो ग्रेविटी कंपनी है जिसका गेम का नाम है रैग्नारोक रैग्नारोक, क्योंकि बहुत पिछले बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरे को बोला था, कुछ लोगों को शायद सुन के लगा था रैग्नारोक नहीं भाई रैग्नारोक, इस नाम का एक मूवी भी शायद है हॉलीवुड का, तो मैंने देखता नहीं हूँ हॉलीवुड, तो मेरे को पता नहीं उतना। तो आप लोगों ने कमेंट बताना कि आप लोगों ने देखे या फिर नहीं देखे हैं। तो फाइनली यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे अपडेट्स एंड चेंजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ हो सकते हैं आपको मैप में भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मेरे को जो लीक्स मिला है उसके रिगार्डिंग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अपडेट्स एंड लीक्स जो भी होगा यहाँ पर से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले बता दें कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर मिल जाए। एंड उससे पहले बता दें कि कुछ लोगों को यहाँ पर से दिक्कत आ रही थी, जो हम लोगों का न्यू इवेंट आया है यानी कि बलून्स वाला इवेंट, तो उसका जो बंडल्स वगैरह लोगों को नहीं मिल रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको गेम को जो है लॉग आउट करना। लॉग आउट का मतलब क्या होता भी कि आपको जो ऐसा नहीं कि आपने गेम को बैक कर लिया, बैक करने के बाद फिर से ओपन किया तो आपका बंडल वहाँ से आ जाएगा, आपको वो लॉग आउट नहीं, मतलब आपको लॉग आउट का मतलब क्या होता है कि आपको जो फेसबुक अकाउंट होता है ना उससे सिंपल आपको लॉग आउट, यानी कि सेटिंग में यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से आपको गेम को लॉग आउट करना है, बैक नहीं है, गेम को लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करना है, जिससे आप देख पाएगा आपको जो भी आपका आपका रिवॉर्ड था टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड जो भी चीज़ आपको बंडल्स वगैरह जो भी आपको मिलना था वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग इस टाइप से कर लो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर रहा था बट मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ उतने लोगों को। तो सिंपल आपको इस रूल को फॉलो करना, जिससे कि आपका क्या होगा, जो भी आपको यहाँ पर से डायमंड रॉयल वाउचर या विपन रॉयल वाउचर जो भी आपको मिला है यहाँ से आपको वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइज, सबसे पहले अपडेट्स की बात कर लें तो यहाँ पर से आपको एक न्यू ग्लोबल की स्क्रीन मिल जाए, तो न्यू नहीं, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल रहा है ये जो रेड टाइप का ग्लोबल है। तो हालांकि ये सब का मेरे पास वीडियो है, बट मैं सोचा वीडियो क्या ऐड करूँ, सिंपल आपको यहाँ पर से फोटो दिखा दो, तो जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो ग्लोबल की स्क्रीन किस टाइप की होने वाली है। तो यहाँ पर सबको इस टाइप ये जो ग्लोबल यहाँ पर देखने मिल जाएगी, तो ये जो ग्लोबल है हम लोग के कुछ रेड टाइप का ग्लोबल है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग गेम के अंदर ग्लोबल आया था वो रेड टाइप का ग्लोबल था, सेम टू सेम कुछ इस टाइप का ही कलर था, यानी कि जो लुक था कुछ इस टाइप का ही है, बट उसमें थोड़ा सा रेड टाइप का ग्लोबल है। तो यहाँ पर सबको ये वाला ग्लोबल की स्क्रीन देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद करें नेक्स्ट चीज़ की, तो वो हम लोग को मिल जाती है यहाँ पर एक दूसरा ग्लोबल, तो यहाँ सब देख पर कुछ इस टाइप का ग्लोबल। तो इस ग्लोबल की बात करें तो इससे पहले भी हमको लोगों को इस टाइप का ग्लोबल आया है, आई थिंक मैंने किसी के पास बहुत ही ओल्ड प्लेयर था उसके आईडी में उसके पास मैंने देखा था इस टाइप का ग्लोबल था। तो आप लोग कमेंट में बताना भाई कि आप लोग कितने ऐसे लोग जिसको याद है, कि या फिर आपने किसी के पास भी इस टाइप का इवेंट इस टाइप का ग्लोबल देखे, या फिर आप लोगों का किसी के पास ये वाला जो ग्लोबल है यह है फिर या नहीं, ये वाला तो नहीं, इस टाइप का ही सेम टू सेम ग्लोबल था, तो मैंने किसी यहाँ पर से प्लेयर्स के पास देखा था कि इस टाइप का वो ग्लोबल यहाँ पर से डाल रहा था। तो फाइनली आपको यहाँ पर से ये वाला ग्लोबल भी देखने के लिए मिल जाएगी गेम के अंदर। उसके बाद बात करना है नेक्स्ट चीज़ की, तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को निकल गई थी पोरिंग पैट को लेके। तो गाइस, पोरिंग पैट जो है यहाँ पर से हम लोग गेम के अंदर बहुत ही जल्द आ सकती है। तो मैंने जैसे आपकी स्टार्टिंग में जो आपको ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर देख के आपको समझ ही गए होंगे कि हम लोग को जो पोरिंग पैट है बहुत ही जल्द इन गेम आपको देखने को मिले, साथ ही साथ जो दो न्यू बंडल है, तो दो न्यू बंडल की हम लोग बात करने वाले थोड़ा सा।
तो ये पोर इम्पैक्ट आपको बहुत ही टॉप ऑफ इवेंट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पोर इम्पैक्ट अगर जैसे पिछले बार आया था हम लोगों को वो कितना में आया था पता नहीं, बट अगर 100 डायमंड के टॉप अप में आता है ना भाई, तो 100% एक मैं 10 लोगों के यहाँ पर से पोर इम्पैक्ट का गिफ्ट करूँगा, यानी कि 10 लोगों को यहाँ पर मैं पोर इम्पैक्ट का जो स्किन है मतलब टॉप अप करके दूंगा, जिससे उसको 100 डायमंड तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ पोर इम्पैक्ट जो यहाँ पर से उनको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पोरिंग पैड की एबिलिटी शायद मैंने बताया था कि वो जो है वो भी आपके एचपी के रिगार्डिंग है, तो मेरे को इतना पता नहीं, तो आप इस सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड की बात करें से नेक्स्ट चीज़ की, तो आती है वही बंडल को लेके, तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये जो दो बंडल मैंने आपको दिखाया था, यानी कि जो दिखाएंगे क्या भाई, आप तो देखेंगे जब गेम को आप लॉग इन करते हो वहाँ से आपको 2 बंडल मिलता है, तो वो 2 बंडल आपको मिट्टी शॉप में देखने के लिए मिल सकता है। 100% श्योर तो नहीं हो, बट हम आप 100% मान सकते हो, क्योंकि एक इसके लिए इसके रिगार्डिंग एक बैनर भी जारी हुई थी, यहाँ सब देख पा रहे, जहाँ पर आपको 90% डिस्काउंट मिल जाती है बोनस डायमंड्स। तो ये 90% डिस्काउंट डायमंड आपको कहाँ मिलती है, जब हम लोग का इवेंट आता है, यानी कि जो मिस्ट्री शॉप हम लोग आता है 9 पॉइंट मिस्ट्री शॉप 8.0, तो उसमें हम लोग को 90% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ इस टाइप का बैनर निकल के आया, जहाँ से आपको आपको दिखाया गया 90%। तो यहाँ पर से ये जो बोनस डायमंड, तो इस टाइप का बोनस वगैरह अलग चीज़ होता है, बट यहाँ पर से बोनस नहीं, आपको यहाँ पर से 90% डिस्काउंट यानी कि आपको मिस्ट्री शॉप में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 2 बंडल यहाँ पर से दिया गया, बीच में यहाँ पर से 90% का आपको यहाँ पर सिंबल दिया गया, जहाँ से आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकती है। तो ये 2 बंडल आपको यहाँ पर से मिस्ट्री शॉप में मिलने के चांसेस है। उसके बाद बात कर लें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो वो हम लोग निकल के आती है यहाँ पर से गन की स्किन को लेके। तो गाइस यहाँ पर से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको P90 का जो गन की स्किन है आपको देखने के लिए मिले, तो इसका भी हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है, फुल्ली वीडियो पड़ा हुआ है, बट मैंने सर क्या वीडियो लगाऊँ, यहाँ पर दिक्कत आती है, क्लिप क्लिप छोटा छोटा क्लिप ऐड करो, ये करो वो करो, फलना करो चिल्ला करो, तो बहुत दिक्कत आती है। फाइनली आपको P90 का जो स्किन है बहुत ही तगड़ा देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, और यहाँ पर इसका डैमेज वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो डैमेज है उसे तो डबल नहीं किया गया है, बट इसकी जो एक्यूरेसी अगर है इसे डैमेज इसे डबल किया गया है, तो एक हिसाब से सही है, देखने में ठीक ठाक है। और आप लोग कमेंट में बताना भी कि आपको यहाँ पर से P90 गन की यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते। तो मेरे पास तो डिंग डोंग या कुछ इस टाइप के गन की स्किन है, तो वो मेरे पास परमानेंट, तो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मेरे पास कोई गन की स्किन मतलब कोई गन नहीं रहता है, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ, वरना M40 या फिर यहाँ पर से M1887, तो यहाँ पर से नंबर 1 है भाई फिलहाल। तो M1887 या फिर P90, ये दोनों क्या बोलते हैं, P90 बोलते हैं, MP40, ये दोनों गन अभी लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो आप कमेंट बताना भी कि आपके शॉर्ट रेंज के लिए आप जो गन यूज करते हैं वो कौन सा, यानी कि M1887 यूज करते हैं या फिर आप M10 यूज करते हैं, या फिर P90 यूज करते हैं, या फिर आप यहाँ पर से MP40 यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता देना भाई। उसके बाद बात कर लें ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, तो वो हम लोगों को निकल के आती है यहाँ पर से मैप के रिगार्डिंग। सो गाइस यहाँ पर से मेरे पास एक इमेज निकल के आई है, जहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कुछ हम लोग को यहाँ पर से जो मेरे को थोड़ा सा सीन दिया गया है, तो वो सीन है हम लोग का यहाँ पर से हैंगर साइड का। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं ये सीन है बिल्कुल हैंगर साइड का है, बट हैंगर साइड में हम लोग को दो ही जो बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री मिलता है दो ही मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से गोडाउन जो हम लोग को दो मिलता है, तो ये दो जो है बिल्कुल सेम है, बट आप देख पा रहे पीछे के लेफ्ट साइड में आपको एक फैक्ट्री और देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि आपको रैग्नारोक के साथ से और ऊपर में आपको यहाँ पर से फ्री फायर और रैग्नारोक को यहाँ पर से मार्का देखने के लिए मिलता है, तो हो सकता है कि अपडेट में होगा कुछ आपको अपडेट होगा जहाँ पर से आपको चेंजेस मिलेगा, जहाँ पर से आपको हैंगर का एक थोड़ा सा सीन दिया, तो हो सकता है आपको मैप के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस मिलेगा जहाँ पर से इस टाइप का चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पर से आपको हम लोग को जो मिलता है अभी प्रेजेंट में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्ट्री ही मिलता है, बट यहाँ पर से आप देख पर 3 फैक्ट्री एंड 3 गोडाउन आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिलते, 2 यहाँ पर से 1 बैकग्राउंड में। मैं इसे एडिटिंग में बोल सकता हूँ, बट मैं एडिटिंग बोलूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से ऊपर में रैग्नारोक का जो यहाँ पर से मार्का मरा हुआ, तो इसको लगता है कि मतलब थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये कुछ हो सकता है कि इस टाइप का हो सकता है अपडेट आएगा। और साथ बीच में आप देख पा रहे 2 एरोप्लेन भी यहाँ पर से हेलीकॉप्टर यहाँ पर से लगा दिया गया है, और ये दोनों फैक्ट्री के बीचों बीच आपको कुछ कंटेनर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, एंड साइड में यहाँ पर सबको ये पीला वाला मकान यानी कि रेड टाइप का, इसके राइट साइड में भी आपको ये फील्ड वगैरह कुछ यहाँ पर से डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर से जो जो भी आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर से कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद बात कर लें ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, तो वो हम लोग को निकल के आती है यहाँ पर से डेली लॉग इन रिवार्ड को लेके। तो गाइस डेली लॉग इन रिवार्ड में हम लोग पता है कि यहाँ पर 7 दिन 7 दिन में हम लोग यहाँ पर से न्यू न्यू रिवार्ड जो आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर से आपको जो 4 डेज का लॉग इन रिवार्ड है इस पर आपको एक यहाँ पर से मैजिक को फ्रेगमेंट मिलेगा, एंड 5 डेज की रिवार्ड की बात करें तो यहाँ से कुछ स्कैनर टाइप का दिया गया, बट ये क्या है किस टाइप का यहाँ पर सभी तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फुल इसमें दिया नहीं गया, बट यहाँ पर सब देख पा रहे हैं यहाँ पर सबको क्वेश्चन मार्क, बट अगर आप इसे सही से देखते हैं तो जो हम लोग का
क्या बोलते हैं उसके स्पेस एयर ड्रॉप में जो हम लोग का आइटम्स मिलता है ना, आइटम्स वगैरह यहाँ पर सबको देखने मिलते हैं। उसका जैसे स्कैनर हो गया, बाउंड्री टोकन हो गया, वन फायर हो गया, उसको सब रिसप्लाई हो गया, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर से देखने मिल सकता है 5 डेज के लॉगिन पे। एंड 6 डेज में गोल्ड रॉयल उसका गोल्ड, उसको 7 डेज के लॉगिन पर आपको फिर से यहाँ पर से आपको एक मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि पर वीक आपको यहाँ पर से दो दो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलेगा, यानी कि 1 महीने में आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 यहाँ पर 8 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो देर आए दुरुस्त आए, ऐसे मतलब कुछ ना होने से होना ही अच्छा। तो हो सकता है कि अगर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर सबको महीने में 8 मिलती है, तो इस हिसाब से अगर आप कलेक्ट करते हो तो यहाँ पर सबको 100 कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जिससे आप यहाँ पर से 100 मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट के बदले में यहाँ से आप एक मैजिक क्यूब एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद करें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो वो तो हम लोग निकल के आते हैं ऐसे नेक्स्ट इनक्यूबेटर को लेके। तो नेक्स्ट इनक्यूबेटर में आपको यहाँ पर से मिल सकती है P90 का जो गन की स्किन है, वो P90 ने भी MP40 गन की स्क्रीन जो ये, तो यहाँ पर से आप किसी में देख पा रहे कुछ इस टाइप का इवेंट निकल का है, जहाँ पर सबको P90 को दिखाया गया है, जहाँ पर से बताया गया है कि P90 नहीं, सॉरी मैं बार बार P90 बोल रहा हूँ, MP40 को जो आपकी ये वाली जो स्क्रीन है आपको यहाँ पर से नेक्स्ट इनक्यूबेटर में देखने के लिए मिल सकता है। और ये चीज़ कन्फर्म कर दिया गया है, बट मैं कन्फर्म नहीं बोलूँगा, मैं किसी भी चीज़ को मैं कन्फर्म नहीं बोलूँगा, क्योंकि कन्फर्म बोलने से मेरे को बहुत गाली पड़ती है, बाय मिस्टेक और बाय चांस वो नहीं आता है तो आपको यहाँ पर से मतलब मेरे को गाली पड़ती है। उसके बाद करें ऐसे नेक्स्ट मतलब गन की, तो जिस हिसाब से पता है कि यहाँ पर से हम लोग को जो नेक्स्ट वेपन रॉयल आने वाला, तो वेपन रॉयल में आपको यहाँ पर से हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है, बट यहाँ पर से आपको जो मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट गन की स्क्रीन, आपको शॉर्ट गन की स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका अनबॉक्सिंग भी हो चुका है, बट दूसरे सर्वर पर आ भी चुका है, मतलब दूसरे सर्वर पर नहीं, जो मेन सर्वर होता है जिस पर सिर्फ एक ही पर्सन के पास होता है, उस सर्वर पे MP यानी कि जो M10 की जो गन की स्किन वो आपको देखने के लिए मिल उन सर्वर पे दे दिया गया है। और आई थिंक मेरे को भी लगता है कि नेक्स्ट अपडेट में आपको यहाँ पर से यानी कि जो M10 14 गन की स्किन वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट की बात करते हैं, यहाँ सबको निकल के आती है यहाँ पर से, आप देख पा रहे स्क्रीन पर एक बैनर, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर से ये चीज़ आएगा, बट थोड़ा सा आपको बताया था यहाँ पर से अपडेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप जिस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर आपको मैजिक क्यूब, अरे मैजिक क्यूब नहीं भाई, क्या बोलते हैं उसको भाई, इनक्यूबेटर का वाउचर यानी कि एवोल्यूशन स्टोन यहाँ पर से ब्लू प्रिंट दोनों को मिला के यहाँ पर सबको गन की स्क्रीन मिल जाए, जहाँ पर हम लोग को ओल्ड लेके का जो गन की स्क्रीन आया था वो वाला स्क्रीन फिर से आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट मेरे को जहाँ तक लगता नहीं मिले, क्योंकि अदर सर्वर पर आया तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर इंडियन सर्वर पर भी आएगा, बट ये जो AK बहुत ही तगड़ा बहुत ही शानदार AK था। आप कमेंट बताना भी कि आपको ये आपके पास ये वाला AK है या नहीं है, तो ये शायद हम लोग का इनक्यूबेटर पर ही आया था, तो हो सकता है आपको इनक्यूबेटर का जो ब्लू प्रिंट होता है फिर एवोल्यूशन स्टोन होता है दोनों के यहाँ पर से एक्सचेंज में आपको ये बंडल नहीं कि ये जो गन की स्क्रीन देखने के लिए मिल सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना सही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।